अब की बार किसान भाइयों को एक अलग ऑफर दे रहे हैं। अच्छा हाँ, ऑफर ऐसा है, किसान भाई आओ, हम मशीन फील्ड में बेचेंगे, दो दिन तीन दिन चार दिन चलाओ, जब पूर्ण संतुष्टि हो जाए ना कि मशीन पे हमारा पेटा भर गया, देसी भाषा में पूरा संतुष्टि होगी, भैया मशीन लाएंगे तब मशीन लो। ऐसा नहीं भाई मशीन हमने तैयार है और आप ले जाओ, है आओ फील्ड में बेच जाएंगे मशीन, उसके बाद पैसे दो, आप दो तीन दिन चलागी संतुष्टि हो जाए। सब तो बड़ी दिक्कत गई है, लोगों द्वारा पीछा नहीं है। और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के है भाई साहब, भाई लोग क्यों खरीद रहे हैं? देखो इसका मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बता दिया जैसे फाइनेंस की फैसिलिटी होगी अपने पास, तो अब आप आसान किस्तों पे भी किसान भाई ले सकता है। ये 105 एचपी की पड़े मशीन 6 रो की और 45 से 50 मिनट में किसाए भी धान का किल्ला हो, अड़वा हो, भारी हो, किसाए हो, जब उछलगा हो मुछबिन तोड़ेगी, 45 से 50 मिनट में काटने की कैपेसिटी है मशीन की। एसी वाली लेनी है तो एसी वाली भी ले लेंगे। देखो कितनी मशीन स्टॉक में खड़ी, एसी भी है, नॉन एसी भी है, छोटी भी है, बड़ी है, हर एक प्रकार की है अपने पास। जो फाइनेंस की सुविधा है वो दीपक भाई ने प्रोवाइड करवाई है कि जिस भाई का ब्योत मतलब पूरे पीछे साथ में नहीं देने का है तो उसकी आसान किस्ता में वो सारी सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी और कंपनी के थ्रू उसका जो फाइनेंस है वो करवाया जाएगा। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम, आपने भी यह जगह जाने पछाने लग दी होगी और आज फिर दीपक भाई द्वारा आए यहाँ पर मुंडाड़गांव में। मुंडाड़गांव की आपने पहला भी वीडियो बनाई है और तो हमने बहुत ज्यादा प्यार दिया है और भाई का स्टॉक आई बारी तो हम खाली करके चले जाओ भाई। और कुछ लोगों की डिमांड थी, कुछ लोगों की शिकायत थी, भाई उन्दो रहे इतने रुपये को नहीं थे जितने तू मांगे है, तो इनका के कुछ नया लेकर आया दीपक भाई साहब की बार ना, के एक तो अपन ने मशीन ना फाइनेंस करवा दिया। अच्छा हाँ, और जैसे स्टॉक वाली बात है तो स्टॉक अपडेट हो ही जाए, अभी अपने पास से अभी पिछले हफ्ते आई है, नौ मशीन और अपडेट हुई है स्टॉक में। तो एक और है नहीं, सब तो बड़ी दिक्कत के है, लोगों द्वारा पीछा नहीं है। और उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के है भाई साहब, भाई लोग क्यों खरीद रहे हैं? देखो इसका मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बता दिया जैसे फाइनेंस की फैसिलिटी होगी अपने पास, तो अब आप आसान किस्तों पे भी किसान भाई ले सकता है। और रही बात अपॉर्चुनिटी की, अपॉर्चुनिटी के बाद देखो सब ने पता भाई बारिश कम है इस सीजन, धान कम है, है तो पराली का आपको ऑफकोर्स की भाई पराली की शॉर्टेज रहोगी, पराली के बाद ज्यादा होंगे है। और दूसरी मशीन की बजाय इस मशीन ने लोग ज्यादा चलवाना पसंद करेंगे, ऐसा हो सके भाई बराबर है, बराबर रेट धान का, बराबर है बराबर रेट पराली का हो सके अब की बार, क्योंकि धान कम हो गया ना उसकी वजह से पराली की डिमांड ज्यादा होगी इस साल। तो एक बार और मैं आपसे यह बात पूछना चाहूंगा कि एक मशीन एक दिन में कितने किल्ले की कवर करे है और किस तरह के है, गारंटी वारंटी भी साथ में जरूर बताओ, उसका बहुत सारे नए व्यूअर है उनकी नहीं पता है कि किस तरह के। इसी पे आ जाओ आप, हाँ ये 105 एचपी की मशीन 6 और 45 से 50 मिनट में किसाए भी धान का किल्ला हो, अड़वा हो, भारी हो, किसाए हो, जब उछलगा हो मुछबिन तोड़ेगी, 45 से 50 मिनट में काटने की कैपेसिटी है मशीन की। बाकी दिन में देखो कितने काट सके वो डिपेंड करे कि कितना बड़ा प्लाट आदमी ने पावे एक दिन में, ठीक है, किसा उसका ड्राइवर है, चलाने की स्किल किसी है। जो नीचे कई बार क्या हुआ कि पानी हुआ है, गिल्ली धरती हुआ है, जिसमें आप सोचा जो बड़ा जबाड़ वाली कंबाइन है वो नहीं चल सकती, या फिर उस टाइम पे नहीं कटने की कंडीशन में होती, तो उस कंडीशन में भाई साहब बिल्कुल पड़वड़े बिठाओगी, सारे काम करेगी और बढ़िया काम करेगी, पड़वड़ा ने भी पास से नू समार की बार काट देगी जमा सीधे करके, यानी कि प्रेस करके ना प्रेस करके जमा एक किस्म दे। तो ये बांधन वाली भी और भाई ने बताई थी भाई बांध भी सका है, लेकिन बांधन वाला में क्या है कि थोड़ा सा आपा बंधवाना पसंद सा को नहीं कर दे उसका कारण है, जैसे आप एक तो पराली गिल्ली हुआ है उसमें खम जाए, अगर लंबे टाइम तक रख लेना बांधेगी उसने तो सुखानी जरूरी है, और ये कि उसी दिन रस्सी लगा देगी आप, और उसी दिन रस्सी लगाए पास एक तो खम जाएगी, और उसी दिन नहीं उठाए तो फिर वो जून डी लाभ जाएगा क्यों घुस जाए पराल। हाँ ये बात तो है, उसका प्रॉफिटेबल उसका रीजन भाई ने बता भी दिया इस वजह से बांधना ज्यादा। हालांकि हमारे पास तो बाइंडर वाली मशीनें भी है, लेकिन जो कस्टमर लेके जाता है मशीन जिसके ऊपर बाइंडर लगा हुआ है वो बाइंडर उतार के रख ही देते हैं, यूज करते नहीं, क्योंकि देखे मौका पाली पराल हुआ उस टाइम पे हुआ थोड़ी सी हेल्दी हुआ है, बाद में हुआ थोड़ी सी सिकुड़ जाए हुआ, तो फिर वह रसीडी लियो जाए, दूसरा दिन लगा यार बढ़िया काम को नहीं कर दी होगी शायद, या वही बात तो या चीज उसी दिन उठ जाए तो उठ जाए, नहीं तो फिर तो जो रेंज है नहीं रेंज है, रेंज मिनिमम कहाँ तक स्टार्ट हो और मैक्सिमम कहाँ तक जाओ, मिनिमम का जगह ना करो आप, मिनिमम या मशीन देखो आप छोटी
दो रो की मशीन है हाँ। या दे देंगे 3.25 लाख रुपया की, ये मिनिमम रेंज तो आड़े शुरू होगी देखा जाए। यानी कि मशीन मशीन पर डिपेंड कर रहा है, बढ़ती खातर कौन है अपने ज्यादातर तो बढ़ती आदमी मशीन ले हुए हैं, लेकिन बाड़े खातर पर्सनल यूज खातर है, तो बाड़े खातर अपने 50 HP का मशीन शुरू हो जाए, 4 रो की है 50 HP की, तो 9-10 लाख रुपया स्टार्टिंग अपने पास। तो मैक्सिमम कितने रो की मशीन अपना, मैक्सिमम ये खड़ी जैसे 7 रो की है ये 120 HP में है, तो ये सबसे बड़ी मशीन है आपने। हाँ, सबसे बड़ी, इससे अगली देख लो आप 6 फुट कटर में है, 80 HP में है। गारंटी वारंटी और बता दो, क्योंकि जापान का माल है। हाँ। ये तो बात आपने बता दी, उसके बाद में आपने एक रखी भी थी कंडीशन की भाई इतने दिनों तक हम सेवा देवांगे, वो जरूर बताओ। देखो गारंटी वारंटी कैसा है, एक बार तो हम पूरी कंप्लीट रिपेयर करके देते हैं मशीन को, हालांकि अपने मौके फोरमैन लगे हुए हैं, कंप्लीट रिपेयर करके देंगे मशीन को। अगर मशीन में फिर भी कोई जैसे कोई ब्रेकडाउन पड़ गया, कोई नॉर्मल चीज है ब्रेकडाउन आना, ब्रेकडाउन आ गया तो वही मशीन जा रही है मान के चलो मुंडाल से 100-150 किलोमीटर दूर, कोशिश करते हैं वीडियो कॉल के थ्रू बंदे को समझा दे भाई यहाँ यहाँ से खोल के ऐसे कर लो आपकी मशीन चल पड़ेगी। अगर फिर भी मशीन 5-6 घंटे हो गए मशीन ने खड़ी, पूरा दिन हो गया मान लो बंदे को समझ में नहीं आ रही, फिर हम भाईचारा में उसके पास बंदा भेज देते हैं। क्योंकि पिछली बार जब आपने वीडियो बनाई थी तो आपने कहा था भाई पहला सीजन है तो हमने कोई समस्या नहीं है। हाँ। एक सीजन में तो हमने ज्ञान भी आ जाएगा और जो जो चीजें हैं तारा सामने जब खुला बन जाएंगी तो हमने मोटा मोटा हिसाब से आ जाएगा और समझ जाओगे तो हम वो चीजें बिल्कुल। और दूसरी मैं बताऊं क्या बात, जब मशीन कंप्लीट रिपेयर करके देते हैं मशीन में प्रॉब्लम आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये पूरे हर एक मशीन का मैं हाथ काट रखे हमने देसी भाषा में, तो दिक्कत आने के चांस बहुत ही कम है। फिर भी रेयर को फॉल्ट पड़ जाए, ड्राइवर की लापरवाही से, लापरवाही का फिर बिना जानकारी बोल लो आप उस चीज को, उस चीज का फर्क हो जाए, फिर हम बंदा प्रोवाइड कर देते हैं। एक बार और है नहीं, क्योंकि देखे पहले जितने व्यूअर हैं अपने उनकी तो पता है। हाँ, हाँ। कि भी सारा का सारा जितना भी सामान है जेन्युइन हाँ। सामान है, जितना पार्ट है वो सारा मेड इन जापान प्रोवाइड करवावा हूं। बिल्कुल, आप स्पेयर पार्ट दिखा दो भाइयों को, अपने पास सारा स्पेयर पार्ट है। तो मैं तो ये बोलता हूँ भाई साहब, मशीन आप कहीं से भी लो, पहले आप ये देखो बंदे के पास जहाँ से मशीन ले रहे हो वहाँ पे स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, स्पेयर पार्ट है कि नहीं, क्योंकि बाहर की मशीनें हैं यहाँ पे तो कुछ नहीं मिलना, इनका नहीं नटबे मिलना इंडियन मार्केट में। तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जिस पता ले हो भाई उस तक तसल्ली जिस बात की जरूरत करो भाई, आपके पास में बढ़िया मिस्त्री और जेन्युइन स्पेयर पार्ट है, ये चीजें सारे के सारे अवेलेबल हैं या नहीं है, तो वो चीजें नहीं, जब पार्ट ही नहीं है तो फिर वही बात, मशीन तो बेकार है तो उसका कोई फायदा नहीं है। एसी वाली लेनी है तो एसी वाली भी ले लेनी, देखो कितनी मशीन स्टॉक में खड़ी, एसी भी है, नॉन एसी भी है, छोटी भी है, बड़ी है, हर एक प्रकार की है अपने पास, जैसी किसान की कस्टमर की डिमांड उसी प्रकार के अपने पास मशीन है। और सबसे बड़ी बात अब की इस वीडियो में आई है कि जो फाइनेंस की सुविधा है वो दीपक भाई ने प्रोवाइड करवाई है, कि जिस भाई का ब्योत मतलब पूरे पीछे साथ में नहीं देने का है तो उसकी आसान किस्ता में वो सारी सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी और कंपनी के थ्रू उसका जो फाइनेंस है वो करवाया जाएगा, ताकि उसको पर बर्डन नहीं पड़े। जब आप ताजा ट्रैक्टर लेकर आवा, ताजी गाड़ी लेकर आवा, आप सोचा हाँ कि भाई किस्त बंधवा लिया, सुविधा तो है एकदम, तो इतने रुपये हो नहीं, बंदा का मन है भाई वो कमाई करके ना उसकी भर देगा, तो वो चीजें भी भाई प्रोवाइड करवाने लग रहे हैं। और एक वो जरूर बताओ आप, वो ट्रांसप्लांटर लेकर आए थे अब की बार किसान भाइयों के लिए, अपन सक्सेसफुल डेमो ले लिया उसका, वीडियो बीच में आपने दिख जाएगी वो सारी सारी सारा, जैसे पहले तो अपन ने धान लगाया उसके लिए, अब धान विमान के चलो 14-15 दिन का हो रहा है, बढ़िया एक भी तो पौध नहीं मरा, बिल्कुल साफ सुथरा धान खड़ा है, तो वो सारा का सारा आपने देख जाएगा। क्योंकि उसमें एक तरफ आपने वीडियो चल दी जो मशीन है वो वर्किंग कर दी हुई दिखा रखी है किस तरह से वो लगान लग रही है, और एक साइड में आपने वो वीडियो दिखाएगी जिसमें मौका के जो हालात हैं उस खेत के वो चीजें भी आपने है, तो वह कितनी कॉस्ट में है, कितना के कुछ दिन में को निकाल दे है। दिन में उसकी हमने चलाई थी छोटी मशीन, वो लगभग 4 कूड़ लेके चल रहा है और पेट्रोल की मशीन थी वो, उसने डीजल पेट्रोल लिया था 4-1 लीटर 1 किलो में, और दिन में मेरे हिसाब से जहां तक उसके चलने की कैपेसिटी को देख के लगभग 7-8 किले आराम से लगा देगी, यानी कि 1 किला में 400 रुपया तो मैंने खर्चा कर दे है 400 रुपया खर्चा। हाँ। और कुछ हम भी नए थे, अब की बार तो जैसे जैसे ड्राइवर सीखेगा ना एफिशिएंसी बढ़ेगी, तेल घटेगा। तो एक और नहीं, सबसे बड़ी बात की है कि इनकी बिना टेस्ट के या बिना डेमो के वो चीजें मार्केट में बिल्कुल लॉन्च नहीं करी। नव के बारे में कुल 2 ही पीस लेके आया था डेमो के लिए, डेमो बड़ी सक्सेसफुल रही।
तो उसका खतरा एक प्योदाड़ा और बता रहे थे भाई, प्योद का एक अलग सा स्टाइल है वो हाँ, का, जो अपने नॉर्मल का तरीका, हमने भी तीन चार तरीके प्योद बनाई थी, एक प्रकार की सक्सेसफुल हुई, बाकी तीन चार प्रकार की तो हमारी भी फेल होगी। तो उसमें क्या है कि भाई जोन सा मशीन ती लेवागा उसकी एक प्योद का अपना न्यारा हिसाब किताब, पैटर्न बता दें भाई किस हिसाब से इसकी प्योद बनेंगी। सबसे मेन चीज ये है, पहले भी ये मशीनें काफी आई है इंडियन मार्केट में लेकिन चल नहीं पाई। उसका एक बड़ा कारण ये था कि प्योद बनाने को नहीं आई लोगों ने। अगर प्योद बनानी अगर आप ना आवे है क्योंकि वह पन्नी पे करनी पड़े है, पन्नी का पन्नी पर भी ट्रे में भी हाँ। हमने भी सारे एक्सपेरिमेंट करे थे अबकी बार हाँ। कुछ एक एक्सपेरिमेंट सफल हुए कुछ एक सफल को नहीं हुए। अगर मैंने सही नॉलेज के साथ में प्रॉपर ज्ञान गला चीज करी जावे नहीं तो मेरे हिसाब से वो चीजें ओसके हैं। और बहुत सारे जो जागरूक किसान है वो इन चीजा ने समझे हैं क्योंकि जब बागवानी वाले हुए नहीं, बागवानी वाले इस चीज की बड़ी आसानी से मेरे हिसाब से कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उनके दौर है तो नॉलेज है। किसान भाई सारे कर लेंगे, नॉर्मल चीज है, बस एक बार उनका उन आदत पड़ जाएगी ना उस चीज की। देख आप परंपरागत खेती करा हाँ, बिल्कुल भाई गेहूं के बाद में जीरी लगा दी, जीरी के बाद में गेहूं लगा दी हाँ। तो उनकी सीखने की जरूरत है, जब तक नहीं सीखा है जब तक नहीं करके देखा है तो वो चीजें नहीं हो सकती। खेतरा तो नॉर्मल प्योद बोन में भी है, बिल्कुल है भाई, सारे भैया को हुआ है। तो ये देख भाई मिस्त्री देख रखी हुई वर्कशॉप है अपना, स्पेयर पार्ट रूम है, बिल्कुल तुरान आज भाई इसका जितना भी ऑपरेशन ऑपरेशन ये देखिए ये ऑपरेशन करे हैं और उसके बाद में इसकी सारा सौदा दी ठीक करें। खड़ी मशीन ना की एक लाइन हाँ, खड़ी एक परली साइड और दिखा दे भाई उनकी वो देखो मैं तो यू है और यू अपना स्पेयर पार्ट रूम है। किसान भैया कहीं आदत है कोई स्पेयर पार्ट भी दिखा दे सब चीज हाँ, क्योंकि संतुष्टि तभी हो आदमी जब दिख जाए देख ले है आंखों से देखी हाँ, बात सच्ची हो है। तोली साइड ले आ भाई, तो ये स्पेयर पार्ट रूम है, इसमें सारी चीज आपने मिल जाएंगी इनकी, जितना भी टोटली सामान है नहीं ए टू जेड सामान तो हमने जेन्युइन फॉर्म में मिलेगा, कोई न्यू नहीं है कि मेड इन चाइना कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा था हमने। सारा का सारा अलग अलग ट्रे हम आप देख सको नीचे देख सको ये सारे के सारे सामान मिल जाएंगे। परली साइड और थोड़ा सा दिखा दे, तो ये चीजें आप देख सको भाई सारा का सारा सुधा आपने मिल सारा जाएगा, स्पेयर पार्ट मिलेगा, कंप्लीट रिपेयरिंग मिलेगी मशीन में। किसान भाई ना कोई दिक्कत नहीं आओगी सीजन में, बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी कोई प्रॉब्लम आओगी तो पूरा सपोर्ट में हम खड़े हैं किसान भाई के लिए। हाँ तो एक बार बाहर ले आ भाई, तो हर चीज की सहायता देखो छोटी छोटी चीज है, जैसे बर में है ये कंप्लीट लपेट है, ये इंडिया में दांधी मिले को अपने सिंगल पीस की लपेट है हाँ। इंडिया में क्या हो जैसे एक सी ही बना दी हाँ, फिर वेल्ड कर दी हाँ। फिर सी बना दी फिर वेल्ड कर दी, इसकी अलग ही मशीन लगा है या कंप्लीट, तो इसमें कोई भी जोड़ नहीं है भाई, कोई जोड़ नहीं, कड़े भी जोड़ नहीं, ये सारा इम्पोर्ट हो माल यो, इंडिया मिलेगा नहीं अपने कड़े भी, सारा इम्पोर्टेड माल यो। और बर्मे तो देखो मशीन चलेगी तो बर्मा तो बहुत आम चीज है, इंडिया जुगाड़ करते हैं फिर हो गए दाने तोड़ने लग जाएगी मशीन हाँ। तो ये हर एक चीज की अहमियत है मशीन में, और इम्पोर्टेड पार्ट चल रहे देखो जैसे बर्मा पूरी कंप्लीट सिंगल लपेट है पूरा बर्मा में, देखो कहीं पे जोड़ नहीं मिलेगा, जॉइंट नहीं है कहीं पे जॉइंट नहीं है। तो मैं तो अपनी यही थी कि भाई जितने भी साथी हैं नया स्टॉक आ गया है यह जानकारी देनी थी, और उसके बाद में और एक चीज और किसान भाई यहाँ खातर, जिस टाइम पे आपने उगा दिया कि मेरा पेटा भर गया उस टाइम पे आपका वह लग जाएगी और इनका दौरा पीछे का खोल बंद हो जाएगी, बात सही बात ठीक है नहीं। तो वीडियो ने शेयर कर दियो अपने साथियों दौरा है जिनसे आगे मन में लेने की हो मशीन, और किसी राय कोई भी जानकारी लेनी है तो स्क्रीन पर नंबर दे रखे हैं उन पर मिला कर ना आप पूछ सको हो, किसी तरीके की जानकारी ले सको, पेमेंट से रिलेटेड है, मशीन से रिलेटेड है, कोई और समस्या है, कुछ भी ए टू जेड जानकारी लेनी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी भी डाल सको ताकि उसमें देख के भी बता देंगे। फोन करो और फोन करना है तो अपना दीपक और का फोन है, इनके फोन उठा लें, पहले शिकायत बहुत आई है पहली वीडियो ना भाई साहब के बार, पहले तो थोड़ा स्टाफ भी कम था, स्टाफ बढ़ा दिया हाँ, क्योंकि पहला फोन बदल बढ़ा रहा है क्योंकि मशीन तो इतनी बेच दी थी और जिनसे कहे थे भाई साहब हमने लेनी है जो इनका स्टॉक खत्म हो जाए फिर ये फोन उठाने बंद कर दे, स्टॉक की बड़ी किल्लत चल रही है तो फोन ठाने बंद करके भाई ये जद स्टॉक था, बाकी आ रहा स्टॉक आया ना अपना जानकारी ले लो, पांच सात दिन बरतो राम ते किले कुले कटो और फिर ले कोई समस्या नहीं है। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।